हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि समीकरण को वर्ग पूरा करके किस तरह से हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपका द्विघात समीकरण जो चल रहा है उसमें से हम लिए हैं वर्ग पूरा करके हल करने वाला। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा समीकरण है क्या, x2 + x - 6 = 0। इसको हल करना है तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिया है पहले उसको लिख देते हैं। समीकरण है 2x² + x - 6 = 0। अब आपको यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये जो 2 है, इस 2 को हमको क्या करना है, हटाना है, यानी इसको गायब कर देना है। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस समीकरण में क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देने पर याद रखना होगा ये 2 हटेगा। तो क्या करना है, क्या है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो समीकरण हमारा क्या है, 2x² + x - 6 भाग देंगे 2 से बटा 2 बराबर, इसमें भी क्या करेंगे, 0 में भी 2 से भाग देंगे, यानी जब इधर 2 से भाग देंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब देखिए, अब इसको तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी ये हमारा 2x² / 2 के पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो प्लस x / 2 - 6 = 0 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ फिर इसका एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। तोड़ दिए, अब देखिए ये आपका 2 और ये 2 आपका कट जा रहा है, तो काट दिए, बच गया क्या, x² + ये हो गया हमारा x / 2। अब इसको भेजेंगे अचर वाला है, इसको भेजेंगे माइनस में तो क्या होगा, हो जाएगा 2 प्लस में होगा यानी 6/2। अब हमारा एक फार्मूला होता है 1/2 × x² × x² दोनों तरफ जोड़ने पर। तो क्या किया, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, इस दोनों साइड का हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या है 1/2 है, तो इसको अलग ही काम करेंगे। 1/2 x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपके यहां पर 1/2 है, तो 1/2 इसका होल स्क्वायर का है, होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। अब इसको हल करेंगे, एक में x से गुणा करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यानी क्या कि इसको हम हल किए तो हमारा क्या कितना 1/16। अब इसको क्या करना है, हमको दोनों तरफ जोड़ना है, यानी इसमें भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है 1/16। इसको हम अलग ही रफ काज में करेंगे तो हम यहां पे जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x² + x / 2 जोड़ना कितना है 1/16। इधर जोड़ लिए, जब इधर जोड़ लिए तो हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड भी जोड़ेंगे तो 6/2 और प्लस इसमें भी जोड़ेंगे कितना 1/16। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं x² यानी हमको इसको बचाना है किस पर, a + b के होल स्क्वायर पर हमको रखना है। तो क्या है, x² कर दिए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, फिर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। बैठा लिया फार्मूला, अब देखो प्लस 2 a की जगह आपका x है और b की जगह कितना है 1/4, हो गया a² + 2ab + b² इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x/2। आप हल करके चेक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा बराबर इसको लिखिए। अब इसका किसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 16 का एलसीएम कितना है 16, तो 16 हो गया 2 × 16 8 × 8 = 48 प्लस 16 × 16 1 हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया क्या, a² + 2ab + b² हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 48 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 49 और बटा है। सो अब देखिए, अब 1 + 4 = 1/4 बराबर स्क्वायर है बराबर उधर जाएंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा, यानी रूट में 49/16। अब इसका हम वर्गमूल निकाल, यहां पे निकाल देते हैं, यहां पे हल करते हैं। देखिए x प्लस क्या है 1/4, तो x प्लस 1/4 बराबर 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आप पढ़े हैं कि जब द्विघात समीकरण में से जब वर्गमूल को निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों साथ में निकलता है, तो प्लस और माइनस दोनों निकलेगा।
अब देखिए x बराबर क्या होगा, इसको ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस 9 को ले आएगा तो माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस 7 बटा 4 तो है, लेकिन ये जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 बटा 4। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार 7 बटा 4 प्लस ले लेंगे और इसे घटाएंगे जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस लेके इसका काम करेंगे, तो एक बार क्या करेंगे प्लस में 7 बटा 4 ले ली और ये तो माइनस है तो आपका माइनस में रहेगा कॉमा, एक बार माइनस 7 बटा 4 ले लीजिए और क्या माइनस 1 बटा 4 तो माइनस 1 बटा 4। अब इस दोनों को हल करेंगे तो x बराबर क्या होगा 4 और 4 कैंसिल हमारा 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 कॉमा ये 4 और 4 कैंसिल कितना 4 हो गया, तो माइनस 7 माइनस कितना 1 एलसीएम अपना घटा जोड़ कर इसी के लिए। अब देखिए x बराबर क्या होगा 7 में से 1 घटेगा 6 बटा 4 कॉमा ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 8 बटा 4 और काटेंगे 2 से 2 दूना 4 2 दिया 6 ये कट जाएगा 4 दूना 8। अब लिख देंगे यहां पर लास्ट में इसलिए x बराबर का कितना आ गया, 1 आ गया 3 बटा 2 3 बटा 2 कॉमा 1 आ गया माइनस 2 माइनस 2, तो यही हमारा क्या हो गया x का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जब भी कहे काम को वर्ग पूरा करके हल करना है तो क्या हो गया इस तरह से हल करेंगे, यही हो गया हमारा वर्ग पूरा करके, इस तरह से अगर बना दीजिएगा एग्जाम में तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या हुआ हो गया हमारा x का मान निकल गया, यही हो गया हमारा x।